बैराज में बहुत हो गया यार। तुम बात कर लो, तुम बात कर लो, क्या पता सब गए बैराज में तो खत्म हो गई बैराज। ड्यूटी थी ना, जितने भी लोग थे सब हो गए, एक आदमी बचा है। पहाड़ तो पहाड़ देखो तो कक बोल के मशीन है तू जो दे पानी तो नही नहीं खाली दल दल चो नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। कृपया नदी के किनारे रहने वाले लोगों से निवेदन है कि वह तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। जोशीमठ में डैम फटने के कारण नदी का जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों से आग्रह है कि वह तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। कृपया ध्यान दें, नदी के किनारे रहने वाले लोगों से आग्रह है कि वह तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। ग्लेशियर की जो घटना घटी है उसने जो एक ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था नीति घाटी में, मलारी घाटी में, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहाँ 50 से अधिक आदमी काम करते थे, उनके भी लाइफ की लॉस की संभावना है। हमारी टीमें वहाँ पहुँच गई हैं, उत्तराखंड पुलिस की और SDRF की, और वो जो सील्ट है उसमें उनको ढूंढा जा रहा है। एक दो कुछ घायलों को बचाया भी गया है। एग्जैक्ट आंकलन थोड़ी देर बाद बता पाएंगे। अभी जो उसके पीछे जहाँ से अवलांच आया उसके पीछे अभी स्थिति पूरी तरह क्लियर है। नीचे हमने कर्णप्रयाग तक पानी आ चुका है, तो जितना बरसात में पानी आता है गंगा जी में उतने लेवल पे पानी है, तो वो हमने पूरी की पूरी बेसिन को खाली कराया है और कोशिश कर रहे हैं कि और आगे कोई कैजुअल्टी ना होने पाए। आज के लिए राफ्टिंग को बंद करवा दिया गया है क्योंकि ये अगले 4-5 घंटे में पानी ऋषिकेश हरिद्वार तक भी पहुंचेगा। किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है कम से कम NDRF से बात हो गई। गृह सचिव से गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उनका NDRF भेजना है या किस तरह की जरूरत है उनके लिए भारत। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। NDRF की 3 टीमें वहां पहुंच गई है, बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई करके उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। ITBP के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं, पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। SDRF की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी MOS नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर NDRF और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया।